चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास, चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान, सालों बाद मिला सफलता का मुकाम, भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत के चंद्रयान 3 की चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। हिंदुस्तान चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। साथ ही ये पहला मौका है जब चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई देश पहुंचा है। ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि साउथ पोल पर आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। भारत ही इकलौता देश है जो चांद के इस हिस्से पर पहुंचा है। विक्रम लैंडर के सतह पर उतरने के बाद इसके साथ गया प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और आगे के मिशन पर वही काम करेगा। इसरो का ये मिशन 14 दिन का है, यानी लगातार 14 दिन तक रोवर काम करके चांद से कई जानकारियां इकट्ठा करेगा और धरती तक भेजेगा। मिशन पूरा करने के लिए रोवर को लगातार 14 दिन तक काम करना होगा। विक्रम लैंडर से जो प्रज्ञान रोवर अलग होगा, वो सबसे पहले चांद पर भारत का निशान छोड़ेगा। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे एम अन्नादुरई के मुताबिक चंद्रयान 3 चांद पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी बनाएगा। रोवर में भी भारत का झंडा और इसरो का निशान बना होगा। 14 दिन तक ये चांद की सतह पर जहां जहां मूवमेंट करेगा, वहां भारत की पहुंच का निशान छोड़ता जाएगा। हालांकि ये मूवमेंट कर कितनी दूरी तय करेगा, ये फिलहाल तय नहीं है। इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक ये वहां के हालात और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि रोवर चांद पर कितनी दूरी तय करेगा। भारत के लिए ये उपलब्धि और महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब चांद की यात्रा पर चला रूस का लूना 25 भटक गया और इसे लेकर रूस के सारे अरमान चकनाचूर हो गए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इस तरह चंद्रयान 3 सिर्फ एक दिन यानी पृथ्वी के 14 दिन ही काम करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उसे भेजेगा। साइंटिस्ट डेटा का विश्लेषण करेंगे और नतीजे निकालेंगे। इन 14 दिन या चांद के एक दिन की गणना 23 अगस्त की शाम लैंड करने से शुरू हो गई है। लैंडर और रोवर के अलग होने के बाद से प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए अपना काम कर रहा है। कम्युनिकेशन इसकी प्रमुख भूमिका तय की गई है। चंद्रयान 3 के उतरने की जगह नई तय की गई है, जहां ये उतरा इससे पहले दुनिया का कोई भी यान नहीं उतरा है। दक्षिणी ध्रुव के जिस इलाके में उसे उतारने का प्रयास हुआ, इसरो वहां की हवा, पानी, मिट्टी, पत्थर, भौगोलिक स्थिति, जिंदगी की संभावनाएं तलाशने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 के साथ जो मुख्य उपकरण भेजे गए हैं, उनमें लैंडर, रोवर, प्रोपल्शन मॉड्यूल मुख्य है। इन तीनों में कई ऐसे उपकरण हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। विक्रम लैंडर तापीय गुणों को परखेगा, मापेगा। सतह पर आयन और इलेक्ट्रॉन घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तन को नापने में मदद करेगा। इसे लैंड करने की जगह के आसपास भूकंप की स्थिति का भी आकलन करना है। इसके बाद रोवर प्रज्ञान चांद की सतह की मौलिक स्थिति, रासायनिक खनिज आदि की मौजूदगी की सटीक जानकारी में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।